सीढ़ी आती है ना जब पूरी मार्केट की। सर इतना दर था जब से मैं एकदम फसाना करते हुए 2200 रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं। आप सब लोग कमेंट करेंगे स्पेशल कैसी हुआ जो। आज है 16 मई का दिन और आज है मंगलवार का दिन। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम और मैं आपको आज फुल डे दिखाने वाली हूँ कि कैसा रहने वाला हमारा दिन। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज बना के रही हूँ स्पेशल कुछ। अब सब लोग कमेंट करेंगे स्पेशल कैसी हुआ जगजीत, मतलब करेले। हाँ जी, मैं बना रही हूँ करेले विद दम आलू के साथ, लाइक मसाले वाले हैं, बहुत टेस्टी। एक्चुअली मेरे बच्चों को पसंद है मेरे यहाँ के करेले और दम आलू, क्योंकि वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बहुत टेस्टी होते हैं, मसालेदार, तो मेरे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। इवन मेरे को भी बहुत पसंद है मेरे यहाँ के करेले की सब्जी प्लस दम आलू के साथ। सो यस, मैंने बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है, मतलब सरसों के तेल में बहुत टेस्टी। सो गाइस, मैंने धर दिया सब्जी और अभी जो है काम वाली मेरी काम सफाई करके चली गई है, बट मेरे बर्तन अभी रहते हैं, वो मेरी आएगी फाइनली आज पिंकी वापस। जो लोग हमारा कंसिस्टेंसी से लाइक हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता होगा कि पिंकी कौन है। पिंकी मेरी मेड है, जो जिसकी भी गुड़िया हुई थी पीछे जब मैं उसको हॉस्पिटल में मिलने गई थी, उसकी मम्मा आती थी मेरे पास बट वो गई हुई गाँव, तो अब मेरे पास आएगी आज से पिंकी। सो मैं आपसे उसको मिलवाऊंगी, ठीक है, अगर मुझे मौका लगा तो मैं ज़रूर से आपको मिलवाऊंगी और उसकी गुड़िया कैसी वो भी पूछेंगे उससे, ठीक है। तो आ जाएगी मेरे घर 10:30 तक, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी। और बच्चे गए हैं स्कूल, आज कवल का है लास्ट डे स्कूल का, क्योंकि कवल किसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी स्कूल की, बट गुरलीन को अभी जाना है बिकॉज ऑफ उसकी क्लास बड़ी है, तो उसको भी जाना है 31 तारीख तक, और ये गए हुए नहाने के लिए। सो यस, इनसे भी आपको मिलवाती थोड़ी देर तक, तब तक बने रहेगा इस ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। देख सकते हो बहुत यम्मी लग रही है गाइस। इसमें क्या होता है ना, जो हमने करेले है ना उसके अंदर आप देखोगे ना, कट करके मैंने इसमें मसाला भरा हुआ, और जो आलू है इसमें भी चारों तरफ से उसको कट करके इसमें हमने मसाला फिल करा हुआ। मसाला मतलब नॉर्मल जो हमारे मसाले होते हैं उसको मैंने पहले इस तरीके से कटोरी में मिक्स कर लिया था, और फिर नाइफ से कट करके, ठीक है ना, इनको इसके अंदर इसको मैंने मसाला फिल कर दिया था, और इसमें प्याज भी आप देख सकते हो, बस इसमें प्याज ही डलता है और कुछ नहीं डलता है। सो यस, बनने देते सब्जी कर लूँ। हाँ, आ गई पिंकी जी, मिल लो। आज मैंने कहा था सबको कि आज पिंकी आएगी, बहुत टाइम बाद उसकी गुड़िया का भी पूछेंगे हालचाल कैसी है, बता दो सबको भाई। नमामी है ना नाम उसका, नमामी नाम है, और मेरी गुड़िया एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी। अभी कितने महीने की होगी वो? 8 महीने की। 8 महीने की हो गई, ठीक है ठीक है। अब जो लोग तुझे जानते हैं ना वो लोग कमेंट करेंगे। आ जा, अभी 3:30 आवाजें आपको आ रही होंगी, 3:30 बज गए तो करके मैं जा रही हूँ शॉप पे। गुलीन आ गई थी, वो पढ़ रही है, ट्यूशन की पढ़ाई कर रही है, स्कूल से आ गई थी, और मैं आपको मिलवा आई थी बर्तन वाली, जो बर्तन करके गई थी, ये बर्तन समेट रही है और अब पानी भरेगी। गुडगल है ये मेरी, छुट्टियाँ पड़ गई, बता दो सबको। हाँ, आज लास्ट डे था। हाँ जी, आर यू हैप्पी नाउ? यस। चलो जी, अब पढ़ाई कर लो, ठीक है, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, मैं जा रही हूँ शॉप पे, बाय बाय। आ गई तू? हाँ जी। कब आई? कब आई? मेरे को होगी थोड़ी देर, कस्टमर था, फिर हमें जाके फ्री हुई, मैं तो डिस्प्ले ठीक कर ले। ओके ओके। और गाइस चल ले, अभी काम कर ले, फिर उसके डॉक्टर पे चलना है, और लास्ट सेटिंग है ये फिजियोथेरेपी की। मैंने जिसका, हाँ आज मेरा लास्ट सेशन है फिजियोथेरेपी की, जाना है, और आज डॉक्टर से दवाई भी मुझे लिखा के आनी है कि अब मुझे कितने टाइम बहुत कंटिन्यू करनी है, जाके खाने वाले दवाई और ड्राई क्लीन वाले कपड़े भी लेके आने। प्लस आपको एक बात बताऊँ, जो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था परसों तरसों, जो रानीबाग में जिस बंदे के साथ हुआ, मेरे को कमेंट आ रहा था यूट्यूब पे कि ये तो मेरा भाई है। अच्छा। हाँ, मतलब हमारा वो वीडियो उसने भी देखा, शॉर्ट देखा मैंने जो अपने उस पर डाला ना यूट्यूब पे शॉर्ट, उस पर कमेंट आ रहा था ये तो मेरा ब्रदर है। चलो ठीक है, तो तेरा भाई है, किसी का बेटा भी होगा। चलो और बता रहे, कल तो शादी भी गई थी, कैसा रहा? शादी में इसको भगा दिया, मामा का एक चुड़ैल बना दिया, बाल कटो के। नहीं, इसे पैसे कराए भी लग रहा है, ये सगन नहीं डाल रही थी, मैं पकड़े पकड़े मारा। सगन क्यों नहीं लाई? नहीं, प्यारी लग रही थी, मैंने इसकी फोटो देखी, सुंदर लग रही थी। चलो स्टे ट्यून्ड। आप देख सकते हो एमसीडी आती है ना जब पूरी मार्केट की हालत क्या हो जाती है, देखो कैसे फटाफट फटाफट सारे हटाना शुरू कर देते हैं, देखो सब अपना अपना सामान हटाना शुरू कर देते हैं। आज अपनी लास्ट सिटिंग के लिए, और अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, सो आज मेरी लास्ट सिटिंग है, और आज देखते हैं डॉक्टर मेरी दवाई कंटिन्यू करता है क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, चलो चलते हैं गाइस। देख सकते हो मैं आ गई हूं, ले रही है गाइस बहुत सारी दवाइयां। आज मेरा लास्ट डे था फिजियोथेरेपी का, डॉक्टर को दिखा दिए प्लस बहुत सारी दवाइयां लिख के दे दी, मतलब 800 रुपये कंसल्टेशन, 200 रुपये का उन्होंने B12 का इंजेक्शन लगाया, फिर दवाइयां 1200 रुपये की, तो मतलब नाना करते हुए 2200 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं। डॉक्टर्स के पास आओ बुरा हाल है, मतलब काम हो ना हो, स्लो हो, बट डॉक्टर के पास तो भाई बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। चलो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हो बच्चे दोनों सोए हुए हैं, और क्योंकि मैं आई शॉप से और आने के बाद मेरे को शूट करने का मौका ही नहीं लगा। सर इतना दर्द था जब से मैं फिजियोथेरेपी आज हो गई, तो इतना सर दर्द था, इनका भी सर दर्द था, पता नहीं क्या हुआ, बहुत सर दर्द हो रहा था। आए शॉप पे, थोड़ा बहुत शूट करा, अपना घर आए, मैंने आज करेले की सब्जी बनाई थी, गुड्डी ने आज फुलके बनाए, रायता बना के रखा हुआ था, कमल ने आटा गूंद के रखा हुआ था, रोटी वोटी खाई, उसके बाद मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। और अब दोबारा उठी क्योंकि सर इतनी तेज दर्द हो रहा था, मैं उठी, मैंने कहा चलो थोड़ा शूट करूं पहले तो बस वही, अब कल जो है गुरलीन को स्कूल जा रहा है और कवल की जो है छुट्टियां हैं, कल मतलब आज चढ़ गया, नेक्स्ट डे चढ़ गया। अब तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड कर दे, और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और इस तरीके से आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।